बॉलीवुड से लेकर हर इंडस्ट्री के सुपरस्टारों की फिल्मों पर अब पायरेसी का खतरा मंडराता ही रहता है। और अभी हाल ही में फिल्म जब 2.0 रिलीज हुई तो इस फिल्म पर भी पायरेसी का खतरा मंडराया था। हालांकि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी जब रिलीज हुई थी तो इस फिल्म का ओरिजिनल प्रिंट भी लीक हो गया था। और कुछ ऐसे ही हाल हमें फिल्म जीरो के साथ देखने को मिल रहा है। जीरो फिल्म की बात करें तो इस दिसंबर को इस फिल्म को देश भर में रिलीज कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म रिलीज होते ही कई फेक साइट्स पर लीक हो चुकी हैं। उन फेक साइट्स की बात करें तो तमिल रॉकर्स, फिल्मी रैप, फनी बैच जैसे साइट्स हैं जहां पर जीरो का डाउनलोड लिंक दिखाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप इन लिंक पर क्लिक करेंगे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर वायरस आ सकता है। आपको बताना चाहेंगे जो डाउनलोड लिंक इन वेबसाइटों पर दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल फेक है। आनंद राय के निर्देशन में बनी फिल्म जीरो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। और आपको बता दें फिल्म जीरो पायरेसी से काफी दूर है। हालांकि ट्विटर पर शाहरुख खान की एंट्री सीन भी लीक हो गई थी लेकिन उस अकाउंट को ट्विटर से हटा दिया गया है। फिलहाल फिल्म जीरो बॉक्स ऑफिस पर अपना धमाल मचा रही है। ये फिल्म दर्शकों को खूब ज्यादा पसंद आ रही है। एक लंबे अरसे के बाद शाहरुख खान ने अपने चाहने वालों को बड़ी फिल्म दी है और उनकी ये बड़ी फिल्म बड़ी ही ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है क्योंकि उनके चाहने वाले लंबे समय के बाद शाहरुख खान को एक नए अंदाज में देख रहे हैं।